तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कुछ डेटा गिवन है जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमें गिवन है, और हमें इस गिवन डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा। इसके लिए हम गिवन डेटा को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो डेटा गिवन है वह इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, सो इसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम इनकी मिडिल वैल्यूज लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार की होंगी। अब इसके साथ साथ हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है जो कि ये है। मीन कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। सो हमें एक्स आई भी पता है एंड एफ आई भी पता है, जिससे कि एफ आई इंटू एक्स आई कुछ इस तरह का होगा। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हम समेशन एफ आई फाइंड करते हैं जो कि कैपिटल एन के इक्वल होगा, एंड समेशन एफ आई की वैल्यू 100 होगी, एंड समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू 12,530 के इक्वल होगी। अब यहां से हम देख सकते हैं कि हमें समेशन एफ आई इंटू एक्स आई एंड कैपिटल एन की वैल्यू मिल चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एक्स बार यानी कि मीन की वैल्यू हमें 125.3 के इक्वल मिलेगी। तो अब हमें मीन मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हमें समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम टेबल से क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एक्स आई पता है और एक्स बार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 125.3। एंड जब हम मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह की होंगी। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए हमें समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से हमें एफ आई भी पता है एंड मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार भी पता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब हमें इनका सम चाहिए, तो जब हम इन सभी का सम करेंगे तो वह हमें 1128.8 के इक्वल मिलेगा। अब यदि हम मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूले की बात करें तो वह कुछ इस टाइप का होता है। इस फॉर्मूले के लिए हम समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, एंड कैपिटल एन जो कि समेशन एफ आई के इक्वल होगा उसकी वैल्यू 100 है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की वैल्यू हमें 11.288 मिलेगी। यदि आप रिकॉल करो तो आपने मीन फाइंड करने का एक और मेथड पढ़ा था जो कि था स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम उस मेथड की हेल्प से मीन फाइंड करते हैं एंड देन उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे। तो यदि आप फॉर्मूले को रिकॉल करो तो मीन कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला हमने स्टेप डेविएशन में पढ़ा था, जहां जो डी आई है वह एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के इक्वल होती है। अब हमें जो डेटा गिवन है वह इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, सो इसे हम मिड पॉइंट लेकर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें स्टेप डेविएशन के लिए एक मीन अज्यूम करना होता है, सो माना वह मीन है 120। दैट मींस स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी 120 एंड एच की वैल्यू होगी 10। एच बेसिकली कॉमन फैक्टर होता है। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि हम एच कैसे फाइंड करते हैं। क्या एच फाइंड करने के लिए यह जरूरी है कि हम अज्यूम्ड मीन से पहले डेविएशंस फाइंड करें देन कॉमन फैक्टर फाइंड करें? ऐसा नहीं है। आप वापस से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो जो इंटरवल का डिफरेंस होता है वही हम टिपिकली एच की वैल्यू लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि किसी भी इंटरवल का जो डिफरेंस है वह 10 के इक्वल है, इसलिए हमने एच को 10 के इक्वल अज्यूम किया है। तो अब हम डी आई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगी एक्स आई माइनस 120 अपॉन 10। यहां जो 120 है वह ए की वैल्यू है एंड 10 है वह एच की वैल्यू है। तो डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स आई की वैल्यू चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। इससे डी आई की वैल्यूज ये हो जाएंगी। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू भी चाहिए।
तो सबसे पहले हम fi into di की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। fi and di हमें गिवन है, जिससे कि fi into di की वैल्यूज ये हो जाएंगी। अब हम समेशन fi की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि 100 है, दैट मींस कैपिटल n की वैल्यू 100 होगी एंड समेशन fi into di की वैल्यू होगी 53। अब यहां से हम देख सकते हैं कि समेशन fi into di की वैल्यू मिली है 53, कैपिटल n की वैल्यू मिली है 100, a की वैल्यू है 120, h की वैल्यू है 10। इन सभी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन हमारा कुछ इस तरह का निकल के आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मीन मिलेगा 125.3। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें मीन की वैल्यू मिल चुकी है 125.3 एंड कैपिटल n की वैल्यू है 100। अब यदि हम वापस से मीन डेविएशन के फॉर्मूले को देखें तो उसके लिए हमें समेशन fi into mod of xi minus x bar की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम mod of xi minus x bar की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहां से हमें xi की वैल्यू पता है एंड x bar की भी वैल्यू पता है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो mod of xi minus x bar कुछ इस तरह का मिलेगा। अब हम fi into mod of xi minus x bar की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से हमें इनकी वैल्यूज ये मिलेंगी। हमें फॉर्मूले के लिए समेशन fi into mod of xi minus x bar की वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी 1128.8। तो अब हम समेशन fi into mod of xi minus x bar की वैल्यू एंड कैपिटल n की वैल्यू को जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा निकल के आएगा 11.288। एंड पिछले मेथड से भी हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकला था 11.288। तो आप देख सकते हो कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा।